हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये चेरी लेकर आई हूँ। देखिए, चेरी है। इसको आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप इसको। जैसे बच्चों की कैप बनानी हो उसमें भी यूज कर सकते हैं, और हमें कोई डेकोरेशन का सामान बनाना हो डेकोरेशन के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक वगैरह, स्वेटर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, और इसको तोरण में भी यूज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जो व्हाइट फूल लगा हुआ था इसको बनाएंगे। हम थोड़ा इधर थ्रेड छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि बाद में हमें सिलाई वगैरह में भी जरूरत पड़ेगी। इसके इतना छोड़ देंगे और ऐसे करके स्लिप नोट लगाएंगे। देखिए, और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच से ऐसे बना लेंगे, और अब इसमें हाफ डबल क्रोशे, नहीं सॉरी, सिंगल क्रोशे से ही इसको या स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे बना लिया। टू चैन ही बनाएंगे इसमें हम यहाँ पर, और फिर ट्रिपल क्रोशे। देखिए ऐसे, हम इसको ऐसा लगा दो बार। जब हम थ्रेड लेते हैं तो इसको ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं। फोर बना लेंगे हम ये ट्रिपल क्रोशे यहां पर। देखिए, शुरू में टू चैन थी यहां पर, हो गए हमारे। अब फिर हम यहाँ पर टू चेन बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए, इस तरीके से हमारी ये फूल की ये पेटल बन गई है। अब इसी तरीके से हम इसमें तीन पेटल्स और बना लेंगे। टू चेन स्टिच, फिर दो बार लेंगे ऐसे क्रोशे ऊपर, हर एक पेटल में हम फोर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फाइव भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर फोर ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ। एक्स्ट्रा हो गया, एक से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर टू चैन स्टिच और फिर स्लिप नोट के साथ में यहाँ पर अटैच करते हैं। देखिए, इसी तरीके से हमको फोर पेटल बनानी है। अब इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए, बन गया हमारा फ्लावर, और अब हम इसको यहाँ पे इतनी थ्रेड को कट कर देंगे, क्योंकि फिर हमें जहाँ भी हम इसको लगाएंगे हमें सिलाई के लिए चाहिए, तो इसलिए एक्स्ट्रा थ्रेड लेकर हम इसको कट कर देंगे। देखिए, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब हम चेरी बना लेते हैं। देखिए, चेरी बनाने के लिए इसमें भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा
साइड को छोड़ेंगे ऐसे ऐसे लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर हाफ डबल सिक्स हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये है, बनने के बाद ना सुंदर काफी लगता है। और अब इसको लाके सिक्स हो गए हमारे, और इसमें लाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस धागे को टाइट कर देंगे, टू चेन बनाएंगे। और अब जहां से हमने चेन बनाई थी इसी में एक डबल क्रोशे करेंगे, और हर एक हाफ डबल क्रोशे में हम दो डबल क्रोशे करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हो गए हमारे हर एक हाफ डबल क्रोशे में डबल क्रोशे कर लिया है। अब इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, जो फर्स्ट में जो शुरू में टू चेन स्टिच बनाई थी इसमें लाकर अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी लेंगे ऐसे, निकालेंगे नहीं क्रोशे हुक से, इस पर ले लेंगे बस, नेक्स्ट में भी लेंगे साथ साथ ऐसे, और फिर दो को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरीके से ही हमारे घटते चले जाएंगे, देखिए। और यहाँ पर हम फिंगर रख लेंगे ऐसे, डाला ऐसे और ऐसे निकाला, और फिर नेक्स्ट भी, और फिर दोनों को एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। इसको बनाना काफ़ी आसान है, और बनने के बाद में बहुत ही प्यारा लगता है ये। देखिए एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक दो बार और कर लेती हूँ और कम हो जाएगा। राउंड कंप्लीट हो चुका है मेरा वैसे ये। आप इतना भी कर सकते हैं, और चाहें तो एक बार और कर सकते हैं ऐसे, बस हो गया राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा इतना करके थ्रेड को कट कर दूँगी यहाँ से। और जो ये है इसको ऐसे गोल गोल करके, देखिए ऐसे करके अब इसके अंदर ही हम फिट कर देंगे, कर दिया यहाँ से ऐसे कर देंगे, और इसको भी एक तरफ रख देंगे, एक तरफ रख देंगे। इसी तरीके से हमको एक और बना लेना है। देखिए दो चेरी बन गई मेरी है, मैंने बना रखी थी ऑलरेडी, एक ही होगी मेरी। अब इसको एक तरफ रख देती हूँ मैं, इसको बंद ही कर देती हूँ, यहाँ से निकल जाए। इन दोनों को एक तरफ रख देते हैं। अब ग्रीन कलर की इसकी डोरी और बना लेती हूँ, देखिए ग्रीन कलर की डोरी बना लेते हैं। इसमें भी इतना धागा छोड़ेंगे, थोड़ा धागा छोड़कर ऐसे, चेन स्टिच बनाएंगे। थ्री चेन स्टिच हो गई हैं, और अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में लेकर हम थ्री डबल क्रोशे करेंगे। थ्री डबल क्रोशे हो गए, और अब यहाँ पर चेन स्टिच से हम बुन लेंगे, थर्टी चेन स्टिच बना लेंगे।
डिजाइन स्टिच हो गई मेरी। अब यहाँ पर दो में पीछे दो को छोड़कर यहाँ पर लेकर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्रेड को कट कर देंगे, कर लेंगे ऐसे। अब देखिए जो हमने चेरी बनाई थी इसको उठाते हैं, उठा लिया, और इसको हम ऐसे रोल करके ऐसे धीरे धीरे और इसके अंदर हम डालते हैं, हमने चेरी बनाई थी इसके अंदर फिल कर देते हैं ऐसे, हो गई देखिए। और हम यहाँ से क्रोशे हुक लेकर ऐसे जो हमारा ये थ्रेड है इससे हम इसको टाइट करेंगे। और इसको भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे, इस थ्रेड को भी इसके अंदर क्रोशे हुक से इसको भी यहीं पर पहुंचा देंगे। इसको इस थ्रेड को भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देंगे। देखिए दोनों तरफ से डल गया। और जो अब मैंने ये फूल बनाया हुआ था इसमें लेकर हम इसको ऐसे देखिए इसे सुई से सिल भी सकते हैं और हम इसमें नोट भी लगा सकते हैं ऐसे करके, जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। एक थ्रेड को कट कर देंगे हम यहाँ से, एक को रहने देंगे। देखिए इस थ्रेड को इसलिए रख लिया जहाँ भी हम इसको अटैच करेंगे ये हमारा सिलाई में काम आ जाएगा। ये बनकर रेडी हो गई है मेरी। देखिए अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और मुझे कमेंट्स करके यह अवश्य बताएँ कि आपको मेरी यह चेरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।